अस्सलाम वालेकुम। FSC पार्ट टू चैप्टर नंबर है 4 और एक्सरसाइज हम लोग 4.4 पे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर हमें किस टाइप की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा और हम इनको किस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग बेसिकली एनालाइज कर रहे होंगे कि हमने अगर दो लाइन्स हमें गिवन है, ठीक है, उन दो लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। ठीक हो गया, लेट सपोज हमारे पास दो लाइन्स गिवन है, ठीक है, ये दो लाइन्स आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। ठीक है, तो गेस करते हैं। देखिए L1 जो है वो क्या है, A1x प्लस B2x C L1 B1 और C, ठीक है। L2 क्या है, A2x प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू, ठीक है। अब बच्चों ये दो लाइन्स हमें गिवन है, हमने क्या करना है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, एक्स ओवर ए वन सी बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इक्वल्स टू माइनस ये हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये तीन हमारे पास इक्वेशंस आ गई इक्वलिटी में, हम इसको इस तरह से फाइंड करेंगे, x ओवर ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या होगा, ये x कंपोनेंट होगा, जी बच्चों इस तरह से हम लोग अपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे कि हमारे पास x कोऑर्डिनेट क्या होगा और उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका, ठीक है। सेम टाइम में जो हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम होगी वो हमने फाइंड करनी होगी इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होगी जो पास हो रही होगी दो, देखिए ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। हमने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, ठीक है। हमने ऐसी लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से वो लाइन पास हो रही हो, ठीक है। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमने इसमें से फाइंड करना है कि देखिए इसके तीन पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट में दो दो इक्वेशन गिवन है, मीन्स के दो लाइन्स हमें गिवन है और हमने बताना है कि ये दो लाइन्स आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका पहला पार्ट देखिए, L1 हमारे पास है x माइनस टू वाई, एक्स माइनस टू वाई प्लस वन, और L2 हमारे पास क्या है, L2 हमारे पास है बेटा 2x माइनस वाई प्लस टू, ठीक हो गया। ये दो हमें हमारे पास दो लाइंस गिवन है और हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम इनकी स्लोप फाइंड करते हैं, लेट्स सपोज कि स्लोप ऑफ m1 फाइंड करते हैं, स्लोप क्या होगी, माइनस a ओवर b होता है, ठीक है। अब इसकी स्लोप देखिए क्या आएगा, माइनस a ओवर b, 1 ओवर माइनस 2, तो आंसर आएगा 1 बाई 2। और m2 क्या आएगा, m2 देखें, m2 आएगा माइनस 2 ओवर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखें m1 m2 आपस में पैरेलल नहीं है, इट मीन्स कि ये लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल नहीं है, ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होंगी, ठीक है। पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती, लेकिन ये क्योंकि पैरेलल नहीं आई, ठीक है, इनकी स्लोप सेम नहीं आई, तो इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अगर ये इक्वल होती तो हम यहीं पर आंसर खत्म कर देते,
हम ये कहते हैं कि इस इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन पैरेलल है तो हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, अभी तो पैरेलल लाइन जितनी मर्जी इसको एक्सटेंड कर लें ये कहीं ना कहीं भी ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन सेम टाइम में अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो ये कहीं दूर जाके, यहाँ नहीं कर रही लेकिन कहीं दूर जाके ये इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आइए वापस इधर देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास m1 equals m2 है, नहीं आया इक्वल, अब हम फाइंड करते हैं अपना सोल्यूशन। सो x equals to क्या था, x equals to b1 c2 minus c1 b2 over a1 b2 minus a2 b1, ठीक हो गया। अब हमने इसको फाइंड करना है, अब देखिए हमारे पास b1 क्या है, b1 हमारे पास है माइनस टू, माइनस टू, और c2 हमारे पास क्या है, टू, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है c1, c1 हमारे पास वन है, और b2 हमारे पास क्या है, b2 आया माइनस वन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट a1 b2, सो a1 इज वन, b2 इज माइनस वन, माइनस a2, a2 इज वन, एंड b2 क्या है, b2 हमारे पास है टू, सॉरी b1 हमारे पास है माइनस टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस फोर माइनस प्लस वन ओवर, ये हो जाएगा माइनस वन माइनस टू, आंसर आ जाएगा माइनस थ्री डिवाइड बाय माइनस थ्री, आंसर आ गया वन, ठीक है। चलिए अब y फाइंड करते हैं, y का हमारे पास क्या है, माइनस ए वन सी टू माइनस सी वन ए टू ओवर ए वन बी टू। जी बच्चों अब देखिए ए वन हमारे पास वन है, ये माइनस वन इंटू सी टू हमारे पास क्या है, सी टू हमारे पास है टू, माइनस सी वन इज वन एंड ए टू इज टू, ओवर ए वन हमारे पास ये वन इंटू माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस टू, देखिए ये आ जाएगा टू माइनस टू ओवर माइनस थ्री। जी बच्चों हमारे पास जो सेकेंड कोऑर्डिनेट आया वाई का वो क्या आया, वो आया जीरो, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, माइनस वन एंड जीरो, ठीक है। ये माइनस वन और जीरो पे रहा के कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हो, ठीक है। जी स्टूडेंट्स का नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास लाइन कौन सी गिवन है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है 3x plus y plus 12, और L2 हमारे पास है बेटा x plus 2y minus 1, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट में ही हम इसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं, m1 क्या आएगा, m1 हमारे पास माइनस थ्री ओवर वन, माइनस थ्री हो गया, और m2 हमारे पास क्या आ गया, माइनस वन बाय टू, तो m1 नॉट इक्वल टू m2, इट मीन्स कि इनकी स्लोप आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। चलिए अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, मैं दोबारा लिखता हूँ, ये हो जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2 ओवर a1 b2 माइनस b1 a2, x फाइंड करते हैं। अब देखिए b1 क्या है, b1 हमारे पास है 1, c2 हमारे पास है माइनस वन, माइनस c1 हमारे पास क्या है 12, और b2 हमारे पास क्या है 2। नेक्स्ट देखिए a1, a1 इज 3 एंड b2 इज 2, माइनस b1 इज 1 एंड a2 इज 1, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस वन माइनस 24, 6 माइनस 1, आंसर आ जाएगा माइनस 25 over 5, so the answer is minus 5, ठीक है। x component हमारे पास आ गया minus 5, y component देखते हैं, y component हमारे पास बनेगा a1 c2 minus, यहाँ minus आएगा c1 a2 over a1 b2 b1 a2। जी बच्चों a1 क्या है हमारे पास 3, और c2 हमारे पास है minus 1, minus C1 हमारे पास है 12 एंड A2 हमारे पास है 1 ओवर
ये आ जाएगा 3 × 2 − 1 × 1 माइनस, देखिए माइनस 3 − 12 ओवर 6 − 1। तो ये आंसर देखिए क्या आ रहा है, ये आंसर आ रहा है माइनस, ये बाहर रहने देते हैं इसको, इस तरह लिख लेते हैं। ये हो जाएगा −15/5, आंसर आएगा −3 − −3। इसका आंसर क्या आ गया, +3। जी बच्चों, एक हमारे पास कोऑर्डिनेट x का हमारे पास है −5 और y का क्या आया 3। तो इसका आंसर बनेगा −5 and 3 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। ठीक है, सेम टाइम में थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, वो आप लोगों ने करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इसके कुछ 3 से 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो पहला पार्ट है, हमने ये बताना है कि दो लाइंस हमें गिवन है, इक्वेशन, दो इक्वेशंस गिवन है और हमें एक कोऑर्डिनेट गिवन है। वो कोऑर्डिनेट क्या है, वो बेसिकली जो कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हमने थर्ड लाइन फाइंड करनी है। ठीक है, थर्ड लाइन कौन सी जो कि पास हो रही होगी इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से। ठीक है, एक दो लाइंस इसको लिख लेते हैं। देखिए L1 हमारे पास क्या है, L1 हमारे पास है 2x + 5y − 8। नेक्स्ट हमारे पास L2 क्या है, वो है 3x − 4y − 6 = 0। दिस इज L2। ठीक है, और दीज लाइंस जो है हम अब इस तरह लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 and L2। ठीक है, इक्वेशन passing through the intersection of L1 and L2। ठीक है, अब L1 और L2 ये क्वेश्चन है और हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था बच्चों L1 + KL2। ठीक है, = 0। L1 is 2x + 5y − 8 + K × ये L1 है और यहाँ पे आ जाएगा 3x − 4y − 6 = 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यू गिवन है क्योंकि हमें जो पॉइंट है वो गिवन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 2 and −9। ठीक है, तो यहाँ से हम अज्यूम करते हैं x = 2 है एंड y = क्या है, −9 है। ठीक हो गया, ये पॉइंट है इंटरसेक्शन का। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 × 2 + 5 × −9 − 8। अब ये हम इसको ब्रैकेट क्लोज, +K × 3 × 2 − 4 × −9 − 6 = 0। अब देखिए ये बन जाएगा 4 − 9, 5 टाइम कितना होता है, 9 × 5 = 45 − 8 + K × 3 × 2 = 6 हो गया, −−+4 × 9 = 36 − 6 = 0। चल यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, देखिए −45 − 8 ये हो जाएगा −53 − 53 + 4 ये हो जाएगा −49 − 49 + K × ये हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल तो ये हो जाएगा 36। ठीक हो गया, = 0। अब देखिए k की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास k की वैल्यू आएगी 49/36। ठीक है, k की वैल्यू हमारे पास आ गई 49/36। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया k। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनेगी। हम इस k की वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे और यहां से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए ये हमारे पास है 2x − 5y − 8 + 49/36 × 36 को मल्टीप्लाई करते हैं, 36 को जो मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 72x
प्लस देखिए 36 टू टाइम क्या होता है 72 और 36 फाइव टाइम क्या होगा ये हो जाएगा 180 y ठीक है 180 y और 36 जो है वो 8 टाइम क्या होगा 8 टाइम होगा 288 प्लस 36 यहां से मल्टीप्लाई होगा तो 36 कैंसिल हो जाएगा 49 into 3 हो जाएगा बच्चों हमारे पास 147 माइनस 49 into 4 जो होगा वो होगा 196 और 49 into 6 क्या होगा 49 into 6 होगा 294 ठीक है अब हम इनको ये यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 294 इक्वल टू 0 अब इसको सॉल्व करते हैं देखिए x और x ये जब ऐड होंगे ये बन जाएगा 219 x प्लस 180 y माइनस 196 तो ये आंसर कितना आना चाहिए ये आंसर आना चाहिए माइनस के अंदर और ये हो जाएगा 16 ठीक है माइनस 288 माइनस 294 ये कितना होगा ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 582 ये हो जाएगा माइनस 582 इक्वल टू 0 अब देखिए यहाँ से हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम लोग 16 से कॉमन लेते हैं तो ये 219 पे तो कभी भी नहीं आ सकता तो इट मीन्स कि हमारे पास ये जो है ये हमारे पास वो इक्वेशन है जो पास होगी इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ठीक है ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगी उस इंटरसेक्शन के पॉइंट से ये थर्ड लाइन पास हो राइट जी स्टूडेंट्स पार्ट बी देखिएगा पार्ट बी में हमने क्या करना है पार्ट बी में हमने थर्ड लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर एक लाइन फाइंड करनी है ठीक है और मतलब ये इस तरह से होगा कि देखिए ये दो लाइन आपस में क्रॉस कर दी एक लाइन जो है वो भी यहाँ से क्रॉस कर दी हमने वो फोर्थ लाइन फाइंड करनी है जो या तो एक एक मतलब एक कंडीशन में इसके पैरेलल होगी दूसरी कंडीशन में क्या होगी दूसरी कंडीशन में इसके परपेंडिकुलर होगी ठीक है हमने इस तरह से फोर्थ लाइन को मतलब दो टाइप ऑफ फोर्थ लाइन हमने फाइंड करनी है जी बच्चों देखिए L1 और L2 जो है हम क्या करेंगे हम सबसे पहले इनकी L4 फाइंड करेंगे जो किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है L1 प्लस के L2 ठीक है L1 हमारे पास है x माइनस y माइनस 4 प्लस k इंटू ये क्या है हमारे पास ये हमारे पास है 7x प्लस y प्लस 20 ठीक है इसको मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है अब देखिए x के साथ हम x की टर्म आ जाएगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7k इंटू x ठीक है और यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 प्लस k इंटू y माइनस 4 प्लस 20 इक्वल टू 0 अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जो कि पास हो रही होगी इन दोनों पॉइंट के इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ ठीक है अब देखिए अब हम क्या करते हैं हम फाइंड करते हैं कि इसकी स्लोप क्या होगी और हमारे पास ये जो m4 बनेगा इसकी स्लोप क्या बनेगी माइनस a ओवर b होता है ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 7k ओवर माइनस 1 प्लस k ठीक है सेम टाइम में हमारे पास ये m3 जो है उसकी स्लोप क्या होगी इस इक्वेशन की इसकी स्लोप भी होगी माइनस 6 ठीक है अब देखिए पहली कंडीशन में हमारे पास जो पहली कंडीशन है वो हमने फाइंड करना है कि L3 इज पैरेलल टू L4 इट मींस कि इनकी स्लोप जो है वो आपस में इक्वल होगी ठीक है ये हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7k ओवर माइनस 1 प्लस k माइनस से माइनस कैंसिल अब देखिए 6 इंटू माइनस 1 प्लस k ठीक हो गया ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस प्लस 6k इक्वल टू 1 प्लस 7k ठीक हो गया ये उधर जाएगा ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 1 इक्वल टू 7k माइनस 6k सो k इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 7 k इज माइनस 7 अब हम क्या करेंगे इस माइनस 7 को हम लोग पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सो ये हो जाएगा इसके अंदर पुट कर लें या फिर हम पुट कर लें क्या नाम है इसके अंदर ये वाली इक्वेशन को रख लेते हैं a के अंदर तो ये हो जाएगा x माइनस y माइनस 4
प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस सेवन आएगा, माइनस सेवन इंटू सेवन एक्स प्लस वाई प्लस 20। ठीक है, अब मैं सेवन को मल्टीप्लाई करती हूँ, माइनस 49x माइनस 7y माइनस ये कितना हो जाएगा 140। ठीक है, देखिए x अब ये हो जाएगा माइनस 48x माइनस y और ये हो जाएगा माइनस 8y माइनस और ये हो जाएगा माइनस 144 इक्वल टू जीरो। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से माइनस 8 अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 6x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वाई प्लस 18 एट टाइम होता है 144। ठीक है, 18 एट टाइम 144 होगा। तो अब ये देखिए यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या बनेगी, वो इक्वेशन बनेगी बच्चों 6x प्लस वाई प्लस 18 इक्वल टू जीरो। ये वो इक्वेशन है जो L3 और L3 के पैरेलल है, ये वो L4 है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे बी पार्ट में, बी पार्ट में हम ये फाइंड करेंगे कि L3 जो है परपेंडिकुलर टू L4 है। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि M3 M4 इनका मल्टीप्लाई होगा माइनस वन जी, माइनस सिक्स माइनस वन प्लस सेवन के ओवर माइनस वन प्लस के, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 + 42 k इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1 - k। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 43 k इक्वल्स टू माइनस फाइव। ठीक है, और ये k इक्वल्स क्या आ जाएगा, माइनस 5/43 जी बच्चों, k इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस 5/43। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस k को अगेन इस इक्वेशन जो a है इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखें हमारे पास है x माइनस y माइनस 4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5/43 माइनस 5/43 या, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 7x प्लस वाई प्लस 20। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 43 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 43x माइनस 43y माइनस, अब 43 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 2 4 4 16 ये हो जाएगा 172। ठीक है, अब माइनस 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 35x माइनस 5y माइनस 100 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब देखिए 43 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 75, आंसर आएगा 8x। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा माइनस 48y माइनस 172 माइनस 272 ये हो जाएगा, ये माइनस 272 इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग 8 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 6y, इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा लेट्स सपोज ये 8 से डिवाइड होगा तो ये आंसर बन जाएगा माइनस ये 3 और ये 34 हो जाएगा, या 34 हो जाएगा, 34 0, ये हो जाएगा x माइनस 6y माइनस 34 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये जो लाइन है ना, ये लाइन होगी परपेंडिकुलर टू L3। ठीक है, हमने यहाँ से फाइंड किया ये लाइन क्या है पैरेलल टू L3 और ये क्या है परपेंडिकुलर टू L3। ठीक हो गया जी स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट देखिएगा क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में हमारे पास दो लाइंस गिवन है और हमने फाइंड करना है कि इनका जो हमने इक्वेशन लाइन फाइंड करनी है जो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है। ठीक है, L1 देखिए हमारे पास L1 क्या है, L1 हमारे पास है बच्चों एक्स प्लस 2y प्लस 3 और L2 हमारे पास क्या गिवन है, L2 बच्चों हमारे पास L3 जो है वो है 3x प्लस 4y प्लस 7 3x प्लस 4y प्लस 7। ठीक है, ये हमारे पास लाइंस गिवन है, हम क्या करते हैं हमारे पास जो पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है
एल वन प्लस के इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री प्लस के इंटू, ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। के से मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री के एक्स फोर के वाई प्लस सेवन के इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखें, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वन प्लस थ्री के इंटू एक्स प्लस, ये हो जाएगा टू प्लस फोर के इंटू वाई, ठीक है, प्लस थ्री प्लस सेवन के इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ से हम कांस्टेंट को शिफ्ट करते हैं, माइनस थ्री प्लस सेवन के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं सबको, हम इसकी बनाते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे और फिर हम उसको इंटरसेप्ट जो उसके इक्वेट करेंगे। टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे तो ये हो जाएगा वन ओवर वन बाई थ्री के ओवर माइनस थ्री माइनस सेवन के एक्स प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू प्लस फोर के ओवर माइनस थ्री माइनस सेवन के या वाई इक्वल्स टू वन, ठीक हो गया। अब देखिए इसको हमने इस तरह से लिखना है, एक्स ओवर, अब देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास एक्स ओवर माइनस थ्री माइनस सेवन के ओवर वन प्लस थ्री के, ये वाई ओवर, ये हो जाएगा माइनस थ्री माइनस सेवन के ओवर टू प्लस फोर के इक्वल्स टू वन। देखिए एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल्स टू वन होता है, ठीक है, ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म की जनरल फॉर्म थी। अब हमने क्या किया, यहाँ से ये होगा हमारे पास क्या, ये होगा x इंटरसेप्ट और ये हमारे पास होगा y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट वो क्या है, माइनस थ्री माइनस सेवन के ओवर वन प्लस थ्री के, ठीक है, और y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट बच्चों हमारे पास होगा ये माइनस थ्री माइनस सेवन के ओवर टू प्लस फोर के, ठीक हो गया, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि हमने वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स होंगे ये आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है, तो इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थ्री, ठीक है, ये इक्वल हो जाएंगे थ्री, हाँ माइनस थ्री माइनस सेवन के ओवर, देखिए वन प्लस थ्री के माइनस थ्री माइनस सेवन के ओवर टू प्लस फोर के, देखिए ये टर्म इस टर्म से कैंसिल, वन ओवर वन प्लस थ्री के इक्वल्स टू वन ओवर टू प्लस फोर के, कॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा फोर के माइनस थ्री के इक्वल टू वन माइनस टू के इक्वल टू माइनस वन, ठीक हो गया। अब k की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस k की वैल्यू को वापस हमारी जो जनरल इक्वेशन हमने बनाई थी ये वाली इसके अंदर पुट करेंगे, ताकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट हो जाए। जी बच्चों इक्वेशन देखिए पुट करते हैं, यहाँ पे x प्लस टू वाई प्लस थ्री, ये हो जाएगा माइनस वन इंटू ये हो जाएगा x प्लस टू वाई प्लस थ्री माइनस थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा माइनस टू वाई और ये हो जाएगा माइनस फोर इक्वल टू जीरो। माइनस टू कॉमन लेंगे, x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास वो इक्वेशन आ जाएगी जो पास हो रही होगी उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थ्री आज की इस क्लास में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास फोर लाइंस गिवन है और बेसिकली ये फोर लाइंस जो हैं ये दो पेयर्स में हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, हमने फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द फर्स्ट टू लाइंस एंड देन द इंटरसेक्शन ऑफ सेकेंड टू लाइन। इट मीन्स कि हमने एल वन एल टू का इंटरसेक्शन का पॉइंट लाइन फाइंड करनी है और देन हमने फाइंड करना है पॉइंट L3 और L4 का, ठीक है।
तो हमारे पास देखिए L1 क्या आ रही है, L1 है हमारे पास 16x minus 10y minus 33, 16x minus 10y minus 33। L2 हमारे पास क्या है, L2 हमारे पास है बच्चों 12x plus 14y, ठीक है, plus 29। नेक्स्ट हमारे पास L3 जो है वो क्या है, L3 हमारे पास है x minus y plus 4, और L4 हमारे पास क्या आएगी, L4 हमारे पास आएगी x minus 7y plus 2। ठीक हो गया। अब यहां से सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम पॉइंट फाइंड करेंगे किसका, L1 और L2 का, ठीक है, और पॉइंट L1 एंड L2। तो मैं, हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, x ओवर, मैं इसका फॉर्मूला इसके बिल्कुल सामने मैं राइट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है x ओवर b1c2 minus c1b2 equals to minus y over a1c2 minus c1a2 equals, जो क्या आएगा, 1 ओवर a1b2 माइनस b1a2। ठीक है, हमने ये फाइंड करना है। x ओवर क्या आएगा, अब b1 एंड c2 इन दोनों लाइंस को हमने चेक करना है, ठीक है, पहली दो लाइंस 1 और 2। तो b1 हमारे पास है -10 और c2 हमारे पास है 29। ठीक हो गया। माइनस c1 हमारे पास है -33 और b2 का हमारे पास है 14 इक्वल टू माइनस वाई ओवर, अब देखिए a1 हमारे पास क्या है 16, c2 हमारे पास है 29, माइनस c1 हमारे पास है -33 और a2 हमारे पास है 12 इक्वल टू 1 ओवर, ये क्या है, a1 b2, सो 16 इंटू 14 माइनस 12 इंटू 10। ठीक हो गया, ये हमारे पास पॉइंट्स थे और हम इसको सॉल्व करते हैं। x ओवर ये हो जाएगा -290 माइनस माइनस प्लस 33 इंटू 14 जो है बच्चों, 33 इंटू 14 क्या आता है, ये आता है 462 इक्वल टू माइनस वाई ओवर 16 इंटू 29। इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 464 माइनस माइनस प्लस 33 इंटू 12 जो होगा ये आएगा 396, 1 ओवर 16 इंटू 14। ये आंसर क्या आता होता है, ये आंसर आएगा 224 माइनस 120। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। एक्स ओवर क्या आएगा, इनको माइनस करेंगे, 290 और 460 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है बच्चों 172 माइनस वाई ओवर, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट 860 वन ओवर, अब देखिए 224 माइनस 120 तो ये आंसर आ जाएगा 104। ठीक है, 104 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे 104 राइट है, नहीं यहाँ पे 10 आते हैं प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 344। ठीक हो गया, अब हम x फाइंड करेंगे। ठीक हो गया, यहां से देखिए x इक्वल्स टू 172 ओवर 344 और यहां से y इक्वल टू माइनस 860 ओवर 344। अब देखिए बच्चों, यहां पे हमारे पास x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, वो आएगी 1/2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी हमारे पास -5/2। ठीक है, अब यहां से x और y हमारे पास दोनों फाइंड हो गए। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं x1 y1, ये लाइन L1 और L2 का जो होगा वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 1/2 -5/2। जी बच्चों, अब चलते हैं हम फॉर L3 एंड L4। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम फाइंड करते हैं। तो देखिए इसी से हम ये फाइंड कर लेंगे x ओवर b1 c2,
डी वन है वन और सी टू हमारे पास क्या है माइनस वन और टू, ये हो जाएगा माइनस टू माइनस सी वन बी टू, सी वन एंड बी टू माइनस माइनस प्लस फोर सेवन जार 28, ठीक है ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है इक्वल टू माइनस वाई ओवर ए वन सी टू, ए वन सी टू इट इज टू ठीक है एंड सी वन ए टू इट इज फोर माइनस फोर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वन ओवर ए वन बी टू ये वाला माइनस सेवन माइनस माइनस प्लस प्लस वन ठीक हो गया। ये हो जाएगा एक्स ओवर 26 इक्वल्स टू माइनस वाई ओवर माइनस टू इक्वल टू वन ओवर माइनस सिक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स ओवर 26 इक्वल्स टू वन ओवर माइनस सिक्स, वाई ओवर टू इक्वल टू वन ओवर माइनस सिक्स। सो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 26 ओवर माइनस सिक्स, इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 13 बाई 3 माइनस 13 बाई 3 और ये कितना आ जाएगा ठीक हो गया। तो हमारे पास जो दूसरे पॉइंट आएंगे x2 y2 वो क्या आ रहा है माइनस 13 बाय 3 और माइनस 1 बाय 3 ठीक हो गया बच्चों। ये हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ गए जी बच्चों, तीनों पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीनों पॉइंट्स दोनों पॉइंट्स को यूज करके हमने बनानी है इक्वेशन ठीक है। Now the equation of the line, ठीक है equation of the line of these two points, ठीक है हमारे पास ये दो points हैं। तो equation का हमारे पास क्या formula होता है y minus y1 equals to m into x minus x1, ठीक है ये हमारे पास क्या था, ये बच्चों हमारे पास equation of line का formula है जब हमारे पास दो points given होते हैं ठीक है। अब देखें ये m है, यहाँ से हम इसकी slope find करेंगे y minus माइनस प्लस 5 बाय 2 हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ से देखिए y2 माइनस y1 होता है ओवर x2 माइनस x1, सो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 3 माइनस माइनस प्लस 5 बाय 2 ओवर x2 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x1 सो दिस इज 1 बाय 2 ये देगा y प्लस 5 बाय 2 इक्वल्स टू यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 6 ये हो जाएगा कितना माइनस 2 प्लस 15 ओवर यहाँ से भी एलसीएम 6 आएगा माइनस 26 माइनस कितना हो जाएगा 3 x माइनस 1 बाय 2। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया y प्लस 5 बाय 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 13 ओवर माइनस 29 जी। अब देखिए बच्चों हमने अब इसको सॉल्व करना है ठीक है 5 बाय 2 सॉरी ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, हमने इसको सॉल्व करना है अब देखिए यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 229 और 2 इंटू 29 इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, चले हम पहले फेज में क्या करते हैं हम सिर्फ 29 को मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है। 29 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 29 बाय माइनस 25 इंटू 29 इंटू 5 क्या होता है, कहता है 145 माइनस 145 ओवर 2 इक्वल्स टू 13 इंटू x माइनस 1 बाय 2। अब 13 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ठीक हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, हम इसको ये पार्ट हम रिमूव कर लेते हैं ठीक है। अब देखिए 2 से अब हम मल्टीप्लाई कर लें, चलें इसको सरल सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 13x प्लस 29y ठीक है, हम इस टर्म्स को उधर लेके देंगे ये हो जाएगा माइनस 13 बाय 2 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 145 ओवर 2 इक्वल टू 0 ठीक है। यहां से अगर हम एलसीएम ले लें माइनस 2 यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस 145 इक्वल टू 0
तो ये कितना हो जाएगा 13x + 29y, ये हो जाएगा इसमें से 3 जाएगा 142 और 134, या ये हो जाएगा 1 + 134/2, ठीक हो गया 32। ओके अब हम यहाँ से 2 से 2 डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 13x + 29y, ये हो जाएगा प्लस 2, ये 6 और 6, तो 6 टाइम तो 6, ठीक हो गया। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, ये वो इक्वेशन होगी, और आप देख सकते हैं ये वो इक्वेशन होगी जो कि उन दोनों इक्वेशन L1, L2 और L3, L4 के मींस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से क्रॉस हो रही होगी, और उसका नाम क्या है, ये है 13x + 29y + 66। जी बच्चों, आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है यहाँ पे, ठीक है। आज हमने 4.4 से पहले 3 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। इन 3 क्वेश्चन में आपको किसी भी काइंड की कंफ्यूजन और कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप थ्रू पोर्टल इसको डिस्कस कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।